हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गोभी आलू की सब्ज़ी। रेगुलर गोभी आलू की सब्ज़ी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे एक स्पेशल तरह की गोभी आलू की सब्ज़ी, जिसे कि आप स्पेशल किसी ओकेजन पे बना सकते हैं, किसी फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं। आप रेगुलर भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है बहुत ही डिलीशियस बनने वाली, इसे अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स, रेगुलर जो बेसिक मसाले होते हैं उसके साथ में सब्ज़ी को बना रही जा रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट बन के आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो के करीब गोभी, और उसे हम पहले कर लेंगे ब्लांश। तो गर्म पानी लेंगे, उसमें हम डाल देंगे नमक, और उसे गोभी को जो 15 मिनट के लिए इस पानी में भिगो के रखेंगे, और फिर 10-15 मिनट के बाद इसे निकाल कर ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे। इस तरह करने से गोभी में जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाएगी। और यहाँ कढ़ाई में मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल। अच्छा तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम इस गोभी को डाल देंगे, और हाई फ्लेम पर ही इस गोभी को हमें इस तरह से चलाना है, जिससे कि गोभी में क्रिस्पीपन आ जाएगा। इसे हमें हाई फ्लेम पर पकाना है, और फिर 2 मिनट बाद उसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम करके ढककर पकाएंगे, ताकि गोभी में जो अच्छा एक कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए गोभी जो हमारी अच्छे से फ्राई होगी, तो इसे निकाल लेते हैं। और अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब साबुत ज़ीरा, 2 से 3 लौंग, और एक जो तेज पत्ता है वो मैंने लिया है उसे डाल दिया है। तो इसे हल्का भून लेंगे। तो जब जीरे का अच्छा सा टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए, तो उसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज को हमें भून लेना है हल्का ब्राउन होने तक, यानी कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसे भून लेना है। और यहाँ पर मैंने 1 से 2 हरी मिर्ची लिए, उसे इस तरह से कट करके डाल दिया है। और प्याज जो हमारा भुन गया है, तो अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है। तो इसको भी हमें भून लेना ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट तक हमें इस तरह से चलाते हुए इन्हें पका लेना। तो जब सारा मसाला अच्छे से पक जाएगा, तो इसमें हम डाल देंगे आलू, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उन्हें इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। तो आलू को भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी, 1/2 चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो इसको भी डाल देंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हल्दी जो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक। नमक डालने के साथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आलू जो है वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसे पकाने के लिए अब हम इसे कवर करेंगे, ताकि जो आलू है जो 30-40% तक वो पक जाए। इसके लिए इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके पका लेंगे। तो इसे ढक दिया है, तो अब यहाँ पे हम तैयार करेंगे एक मसाला। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है दही। दही जो है हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए, तो उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब बेसन, 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, धनिया पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर लिया है, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और स्वाद के अनुसार 1 चम्मच के करीब नमक इसमें डाला है, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी आलू में भी डाल दिया है। और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस मसाले में हम डाल देंगे गोभी को, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस गोभी को हमें मैरिनेट करना है 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसे पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख लेंगे आलू को। तो आलू जो है हमारे, देखिए मसाला जो अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टमाटर, जो इसे कि मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था, और इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और इन सबको मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो अब जो टमाटर है उसे गलने तक पकाना है, ताकि जो टमाटर अच्छे से गल जाए। तो इसे हम कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कवर करके हमें पकाना है। तो टमाटर को जो अच्छे से गल जाने तक ही पकाना है। तो एक बार यहाँ देखेंगे कि जो टमाटर है वो अच्छे से अभी गले नहीं है, तो एक बार फिर से इसे मैं कवर करूँगी और फिर से इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए टमाटर जो है गल गए हैं, और आलू भी जो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई गोभी को, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इस सब्ज़ी को मैं
जैसे जो सब्ज़ी में हमने दही जो इसमें मैरिनेट किया है, जब उसका फ्लेवर इसमें आएगा तो गोभी का रंग भी इसके साथ ही चेंज होता जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया बनता जाएगा। आप इसे अच्छे से मिक्स करें और अब इसमें डालेंगे आधा कप के करीब पानी। अगर आप इसको ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो 1 से 2 कप के करीब इसमें पानी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैं इसे सूखी बनाने चाहिए तो इसमें आधा कप के करीब इसमें पानी डाला है। और साथ में इसमें डाल देंगे किचन किंग मसाला और अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे कवर करके कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए और हमें बीच बीच में इसे चलाते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो गोभी है हमारी ऑलरेडी पक गई है पूरी तरह से, आलू जो है वो गल गए हैं, तो मुझे इस तरह की ही ये गोभी चाहिए, बिल्कुल मैंने पूरी से नहीं सुखाई। और अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया या कसूरी मेथी, अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप हल्का सा कसूरी मेथी से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी गोभी जो वो बनकर रेडी हो गई है। इस आलू गोभी को आप तंदूरी रोटी, तिकोना पराठा या सिंपल चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये गोभी आलू बनकर तैयार है। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आपको करना है इसे लाइक, और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय।